नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तिवारी लेके आया हूँ एक नया वीडियो दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है आज 29 दिसंबर है और साल का अंतिम सप्ताह चल रहा है। कुछ दिनों बाद नया साल आ जाएगा, 2024 में हम लोग प्रवेश कर देंगे। तो अब पहले की तरह मौसम में काफ़ी बदलाव आ चुका है हमारे प्राकृतिक में, और हमारी जो वो है शाले की जो घाटी है इसमें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। वो बदलाव क्या है, पहले की अपेक्षा अब की अपेक्षा, वो पूरा आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, अभी 10 बजे हैं सुबह के, और आपको थोड़ा नज़ारे दिखाते हैं और बताते हैं इस ब्लॉग में, इस ब्लॉग के माध्यम से कि पहले और आपके शालदे घाटी में कितना अंतर आ रखा है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो, यह है शालदे घाटी और काफ़ी खूबसूरत प्रकृति ने इसको ऐसा खूबसूरत बनाया था। लेकिन क्या करें, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी सोच पहले की तुलना में काफ़ी बदल चुकी है। और आप देख सकते हो जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है मेरी शालदे घाटी में, आप देख सकते हो पूरे बंजर की बंजर है घाटी। और आपको दिखा देंगे सारे खेत, किसी टाइम पे अभी के समय सरसों से पीले खिले रहते थे, सरसों के फूल से। और अब इतना बड़ा यह एरिया है कि शर्म आती है इसको शालदे घाटी कहते हुए। आप देख सकते हो सारे के बंजर की बंजर है खेती, और हो बनो कारण पलायन, और उससे भी बढ़ के कारण हो गया है यहाँ जो बंदर, गाय, सुअर सभी जानवर यहाँ पर आ चुके हैं। क्योंकि घाटी है, केंद्र है हमारा इस ब्लॉक का, तो सभी प्रकार के जानवर यहाँ पर लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे शालदे के ताज़ा हाल चाल, और एक छोटा सा ब्लॉग के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता था कि शालदे में आजकल क्या चल रहा करके। और आशा करते हैं कि जल्दी से जितनी ये समस्याएं हैं इनका निवारण होगा, और निवारण होगा तो क्षेत्र की जनता को ही इसका निवारण करना पड़ेगा। कोई और लोग तो यहाँ आएंगे नहीं कि जो आपकी समस्याओं को हल कर दें। हम ही लोगों को मिलजुल के जितनी भी समस्याएँ हैं शालदे में इनको दूर करना चाहिए।